हो जय हो यीशु के जय हो 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 यीशु के जय हो जय हो। मन की उमंग दिल की तरंग में गाते रहे। मेरे प्यारे भाई पिता बहनों, आज की सुसमाचार लाजरस को कब्र में से जिलाने के बारे में। जैसे मैंने मिसा की शुरुआत में कहा, यीशु जीवन का स्रोता है और आज यीशु लाजरस के कब्र पर खड़े हैं और वहां ऐसी एक दृश्य देखते हैं जो हमारे दिलों को हिला देता है। हमें सुना यीशु रो पड़े। ईश्वर मनुष्य बनकर जब रोते हैं, हमें यही दर्शाना चाहते हैं कि यीशु मानवता मानव बनकर इस दुनिया में आए और अपनी मानवता को हमारे साथ सहभागी बांटना चाहते हैं और इसलिए मनुष्य जैसे रो पड़ते हैं। और प्रभु यीशु जब लाजरस को मृतकों में से जिलाते हैं, यीशु के जीवन में एक सबसे बड़ी महान घटना है, द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ जीसस। क्योंकि यीशु ना केवल लाजरस को जिलाया और भी लोगों को प्रभु यीशु मृतकों में से जिलाते हैं। याद है कि मरियम आओ किसको यीशु मृतकों में से जिलाते हैं लाजरस के अलावा? जेरुस की बेटी को। यस। और दूसरा लोग यीशु को एक व्यक्ति को दफनाने के लिए ले जा रहे हैं, एक विधवा की बेटा नेम की विधवा की बेटा, और उन्हें भी यीशु जिलाते हैं। मगर इन दोनों को जीवन देना और लाजरस को जीवन देने में बहुत फर्क है। पहला जेरस की बेटी को जिलाते हैं क्योंकि वह तुरंत वही उसी समय मरी थी। दूसरा जो लड़का विधवा के लड़का दफनाने के लिए कब्रस्तान लेते हैं, रास्ते में प्रभु यीशु और उनके प्रेरित उनको दर्शन करते हैं और उन्हें जिला देते हैं। मगर लाजरस की जब बात आती है, चार दिनों से कब्र में है और उनकी बहन कहती है दुर्गंध आती ही होगी। और प्रभु यीशु जब लाजरस को इस प्रकार जीवन का दान देते हैं, हमें यही दर्शाता है कि प्रभु यीशु न केवल मनुष्य है मगर ईश्वर का बेटा है। रो पड़ते हैं यह दिखाने के लिए हमारे समान कैसे वह दुख में सुख में हमारे साथ देते हैं। और हम जानते हैं कि यहां यदि प्रभु यीशु लाजरस को जिलाया चार दिन कब्र में सड़ने के बाद भी, यह माता उसकी बहन के विश्वास के कारण। क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं यूहन्ना 11:21 में, यूहन्ना 11:21 माता ने ईसा से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जब माता ने ईसा से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि आप भी ईश्वर से जो कुछ मांगोगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। तो जो कुछ आप मांगोगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ये माता की विश्वास है प्रभु यीशु से।
तो प्रभु यीशु ना केवल जीवन का जल है, बड़ा गडेरिया है, दुनिया की ज्योति है, मगर प्रभु यीशु पुनरुत्थान और जीवन भी है। इसलिए हम पढ़ेंगे यौहन 11:35 में, यौहन 11:35। यस बोलिए। यस बोलिए। ईसा रो पड़े, ईसा रो पड़े, इस पर यहूदियों ने कहा, इस पर यहूदियों ने कहा, देखो वे उसे कितना प्यार करते थे। यीशु रो पड़े बाइबल में सबसे छोटा वाक्य है और सबसे महत्वपूर्ण वचन है, यीशु रो पड़े। तो यीशु रोते हैं ना केवल जिनको प्यार नहीं करते, मगर प्यार करने वालों के लिए विशेष रूप से अपना प्यार दर्शाते हैं। यीशु लाजरस को कब्र में देखकर रो पड़ते हैं। इससे हमें यही पता चलता है कि प्रभु यीशु ना केवल हमारी जो भावना है, जब हम दुख में हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, यीशु जानते हैं मगर अनुभव भी करते हैं। और यही हुआ प्रभु यीशु जब लाजरस के कब्र में है, ना केवल उनके बहनों के रोने के आंसू को देखा मगर उनके दर्द को पहचान कर खुद रो पड़ते हैं। और इसलिए हम यीशु के बारे में कह सकते हैं, यीशु ना केवल हीलर, हमारे सभी दुख दर्दों को ना केवल चंगाई देने वाला है, मगर यीशु अपने दुख दर्द पीड़ाओं को हमारे साथ अनुभव करते हैं। और इसलिए जब हम परिवार में कोई भी कारण से दुखी है, निराश है, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, तो यीशु भी आपके साथ रोते हैं, यीशु भी आपके साथ रो पड़ते हैं, आपकी दुख दर्दों को अनुभव करते हैं। इसलिए यीशु दुखियों से दूर नहीं है। जब हम दुखी हैं, यह मत सोचिए कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। ऐसी निराश का जीवन हमें जीने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे यीशु लाजरस के साथ उनके जीवन में दुख आने से रो पड़े, वैसा हमारे साथ देते हैं, हमारे दुख दर्दों में यीशु सहभागी होते हैं। और जैसे यीशु ने लाजरस को जिलाया, वैसा आज भी हम सबों को यीशु कब्र में से जिलाना चाहते हैं। मां किस प्रकार की कब्र है, ना केवल मिट्टी में खोदा हुआ कब्र, मगर हम जीवित लोग भी एक प्रकार के कब्र में बैठे हुए जीवन जीते हैं। जब हमारे जीवन में डर है, जब हमारे जीवन में संकोच है, जब हम एक दूसरों को नफरत करते हैं, हम अपने आप को बांध लेते हैं उस नफरत से, मनमुटाव से, या दुख दर्द जो पीड़ा हमें बांध कर रखते हैं, उसे हम बाहर आना नहीं चाहते हैं, उसी कब्र में बने रहना चाहते हैं, वैसा ही हम जीना चाहते हैं। मगर आज यीशु हमसे कहते हैं नहीं, हम सबों को कब्र में से निकालना चाहते हैं। जब हम हमारे जीवन में नफरत की कब्र में जीते हैं, किसी को क्षमा करना नहीं चाहते हैं, या डर का जीवन जीते हैं, यीशु बोलता है नहीं, हमारे डर की कब्रों से हमें यीशु निकालना चाहते हैं, नफरत की दुनिया से कब्रों से हमें निकालना चाहते हैं। जैसे यीशु ने लाजरस को मृत्यु में से जिलाकर नया जीवन दिया, वैसा यीशु हमें भी एक नया जीवन देना चाहते हैं। एक नया जीवन का शुरुआत यीशु हमारे साथ करना चाहते हैं। और इसलिए विश्वास कीजिए, क्योंकि माता ने विश्वास किया, यदि आप भी आप जो कुछ पिता से मांगोगे, ईश्वर वही आपको प्रदान करेगा। यदि इस प्रकार हम यीशु में अपने विश्वास को दर्शाते हैं, तो यीशु हमारे जीवन में जो कुछ बंधन है, जो कुछ अड़चने हैं, उसे निकाल कर स्वतंत्रता में जीने के लिए यीशु हमें बुलाते हैं। और दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु 4 दिन से कब्र में सड़ने वाले लाजरस को जिला
जला सकता है, मगर उनके पट्टियों को जो चेहरे पर शरीर पर बांधा हुआ था उसे खोलने के लिए लोगों से मदद मांगते हैं। कब्र में से जलाने वाला एक शब्द मात्र से पट्टियों को क्यों नहीं खोल सकता, मगर यही यीशु हमें बताना चाहते हैं। ईश्वर अपने कार्य में आप जैसे मेरे जैसे लोगों को सहभागी बनाना चाहता है। यीशु सारी काम अपने आप करना नहीं चाहता है, जरूर उन्हें जिलाया मगर पट्टियों को खोलने के लिए लोगों से कहता है। इसका मतलब है कि यीशु के कार्य में हम सबों को अपने हाथ बटाना है। ईश्वर के राज्य के फैलाव के कार्य में हम सबों को अपना योगदान करना है, छोटा या बड़ा। पट्टियों को खोलना बहुत बड़ी काम नहीं, फिर भी जब यीशु उनसे मांगते हैं पट्टियों को खोल दो, इससे यीशु हमें यही बताना चाहते हैं छोटे बड़े रूप में हम ईश्वर के राज्य के फैलाव में हम हर एक व्यक्ति अपना योगदान देना है। और इसलिए हम आंख बंद कर बैठ नहीं सकते हैं, हम सबों का अपना योगदान ईश्वर के राज्य के लिए हमें देना है। और प्रभु यीशु लाजरस को जिलाकर हमें क्या बताना चाहते हैं, व्हाट इज द पर्पस? मतलब यही है कि जब यीशु लाजरस को जिलाते हैं इसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई है। दूसरी बात, यीशु लाजरस को कब्र में से जिलाने से यही हमें बताना चाहता है कि वह ईश्वर का बेटा है और ईश्वर चाहता है कि हमारी एक व्यक्ति परिपूर्ण जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए। और इसके द्वारा यीशु हम अपने दया दिखाते हैं, ईश्वर यीशु के द्वारा अपने सामर्थ्य हमें बताना चाहते हैं और विश्वासियों के विश्वास को और मजबूत करना चाहते हैं और आप विश्वासियों के विश्वास को दृढ़ बनाना चाहते हैं। लाजरस को जिलाने से इन सभी लाभ हम सबों को मिलता है। यह भी देखते हैं कि प्रभु यीशु लाजरस को जिलाने के लिए 4 दिन के बाद आए। इसका मतलब क्या है? यदि ईश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य करना चाहता है तो हमें ईश्वर के लिए इंतजार करना पड़ेगी। हमने तुरंत प्रार्थना कर दिया तुरंत हो गया? नहीं, माता ने तो बुला भेजा मगर यीशु 4 दिन के बाद आते हैं। इसका मतलब है जब भी हमारे जीवन में शायद हमें लगेगा कि बहुत अति आवश्यक है, तुरंत होना है, मगर यीशु के लिए नहीं, यीशु के लिए 4 दिन इंतजार करना पड़ा उसके दोनों बहनों को। वैसा यदि ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, हमें भी विश्वास के साथ इंतजार करना है ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। योहन 11:3 में हम पढ़ेंगे, योहन 11:3
इससे हम यह भी सीख सकते हैं जब हमारे घर में या हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं। नैन्सी आप क्या करते हैं आपके बच्चे बीमार हुए तो दवा खाने लेके जाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हम यीशु को जब अंतिम सांस लेना आखिरी संस्कार देने के लिए हम बुलाते हैं, फादर मर रहा है अंतिम संस्कार दे दो उसका, ऐसे ही जाने दो। यदि हम माता के सम्मान विश्वासी है, सचमुच प्रभु के सामर्थ्य में शक्ति में हम विश्वास करते हैं, सबसे पहले डॉक्टर नहीं पर यीशु को बुला भेजते हैं, फादर के पास जवाब बोलते हैं, फादर हमारा बेटा या बेटी घर में बीमार है, आप प्रार्थना कीजिए। हमारे विश्वास कितनी महान है। अभी तक जितने भी लोगों ने मुझे बुलाया प्रार्थना के लिए, जब गंभीर हो जाता है मरने पर है, फादर एक अंतिम संस्कार दे दो, और बीमार होने के एक हफ्ते के बाद ही मुझे पता चल रहा है कि हमारे घर में कोई बढ़ती है बीमार है, अस्पताल में बढ़ती है। इसका मतलब क्या है? हमें यही दर्शाता है कि हम प्रभु यीशु जो शक्तिमान है, चार दिन से कब्र में से सड़ने वाला शरीर पर जीवन दे सकता है। यदि हम माता मरियम के समान विश्वास करते हैं तो हम तुरंत यीशु को बुला भेजते हैं, फादर हमारे घर में आइए प्रार्थना कीजिए, बेटा बीमार है बेटी बीमार है, हमारे विश्वास काम है। आज बेटा तोड़ कर देखिए, सचमुच जब मेरा घर में कोई बीमार हो जाता है मैं फादर को कब खबर देता हूँ। एक हफ्ता अस्पताल में पड़े हैं, नागपुर में है, कहाँ है, बाद में दूसरों के द्वारा घर वालों भी नहीं बताते और किसी के द्वारा खबर मिलती है वो बीमार है। बड़ी दुख की बात है। बड़ी ईमानदारी से हम चर्च में तो आते हैं, हर हफ्ता आते हैं और प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, मगर जब वास्तविक जीवन में विश्वास के बारे में मौका मिलता है हम कब कैसे दर्शाते हैं, तो हम माता मरियम से सीखने की जरूरत है। डॉक्टर से भी बढ़कर सहने वाला शरीर को जीवन देने वाला यीशु को जब हम विश्वास के साथ बुलाते हैं, प्रार्थना की मांग करते हैं, ईश्वर हमारे बीमारियों को चंगा कर सकता है। जब जीवन देने वाला बीमारियों को क्यों चंगा नहीं कर सकता? इसलिए हम जब बीमार होते हैं हमें फादर को बुलाना भेजना चाहिए, प्रार्थना करने के लिए मांग करना चाहिए। और माता ने यीशु के पास यह कहला भेजा, जिसे आप प्यार करते हैं वह बीमार है, आइए। दो कारण है, सबसे पहले यीशु को बुला इसलिए भेजा क्योंकि वह सबसे गहरा नजदीक मित्र है, और दूसरी बात है उसको चंगाई देने के लिए। और इसलिए हम भी माता से सीखना चाहिए कि प्रभु यीशु कितने चमत्कार के कार्य हमारे जीवन में कर सकते हैं। और इसलिए जब हमारे घर में लोग बीमार होते हैं यीशु की उपस्थिति की जरूरत है और यीशु की आशीष की जरूरत है। इसलिए प्रभु में विश्वास कीजिए। इब्रानियों के पत्र अध्याय 12:6 में पढ़ेंगे, इब्रानी 12:6, यदि ईश्वर हमें प्यार करते हैं तो ईश्वर हमारे साथ कैसे व्यवहार करता है। इब्रानी 12:6 में क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। यस बोलिए, प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। प्रकाशन ग्रंथ 3:19 में, प्रकाशन ग्रंथ 3:19 में बोलिए, मैं जिन सबको प्यार करता हूँ उन्हें डांटता और दंडित भी करता हूँ। तो जिसे आप प्यार करते हैं वह बीमार है, वचन और दो रूप में हमें बताता है। यदि ईश्वर आपको प्यार करते हैं आपको दंड भी देगा, बीमारी भी देगा
ताकि हम उसके पास लौट आए। उसके हमारे बीमारी के द्वारा विश्वास करने से ईश्वर की महिमा हमारे द्वारा प्रकट हो जाए। आगे चलकर हम पढ़ेंगे, विश्वास करने वाले जरूर मरेंगे। यदि आप विश्वास करेंगे, वचन कहता है मगर हम मरेंगे टेम्पररी मृत्यु, परमानेंट मृत्यु नहीं, क्योंकि पुनरुत्थान के समय ईश्वर हम सबों को जिलाएगा, नया जीवन देगा। यूहन्ना 5:19 मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता। यूहन्ना 5:29 सत्कर्मी जीवन के जो पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक के लिए। यस, बोलिए सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक के लिए। ये कुकर्मी कौन है? बुरे काम करने वाले, जो ईश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चलने वाले। यानी दोनों जीवतेंगे, अच्छे लोग भी जीवतेंगे और बुरे लोग भी जीवतेंगे। सत्कर्मी अनंत जीवन के लिए, सत्कर्मी कौन है देवी? अच्छे लोग। कौन लोग अच्छे लोग? अच्छे दिखने वाले, अच्छे कार्य करने वाले, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाले सत्कर्मी जी उठेंगे। अब कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, अनंत जीवन के। आप कुकर्मी नरक देंगे, दोनों जी उठेंगे। ये जी उठने के बाद बहुत से लोगों को अभी भी संदेह लगता है, क्या हम मरने के बाद जब मिट्टी में मिल जाते हैं शरीर, हमारा शरीर मिट्टी में गल जाता है, मिट्टी के बराबर ही बजे, फिर जी उठ सकता है क्या? हमारे मुंडी लारी नहीं। कितने लोग बोलते हैं जी नहीं उठेंगे? हेमंत क्या बोलता है? आप मरेंगे, मरेंगे कि नहीं? आप मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर क्या आपका फिर से जी उठना संभव है? एग्जैक्टली, यीशु ने हमको शरीर आप मिट्टी से जला बन जाते, ईश्वर ने हमें कैसे बनाया? वही मिट्टी से बनाई थी। चार दिन से गलने वाले लाजरस को जिला सकता है, तो मिट्टी में मिट्टी बन गया हमारा शरीर को ईश्वर क्यों नहीं जिला सकता है? जिला नहीं सकता? जो दिन आप जी उठेंगे, यस आप सभी जन जी उठेंगे, साधु जी उठेंगे नहीं उठेंगे? नहीं उठेंगे हम सभी जन। हेलन जी उठेंगे कि नहीं? हम सभी जन जी उठेंगे। सत्कर्म, यदि आपने अच्छा जीवन जिया, प्रभु के नियम के अनुसार जीवन जिया, अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे। और कुकर्मी जो मनमानी जीवन जीते हैं, बुरा जीवन जीते हैं, वे नरक दंड के लिए जी उठेंगे। यूहन्ना 17:3 मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन। बोलिए वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को, एक ही सच्चे ईसा मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। तो जान ले बोलता है, जान ले किसको? जान ले पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर को जानना ही हमारे लिए अनंत जीवन है, अनंत जीवन का शुरुआत है। और ईश्वर को हम कैसे जानेंगे? सिमोन बोयल, जब हम वचन पढ़ते हैं, जब वचन हम सुनते हैं, ईश्वर के बारे में हम जानते हैं और अनुभव करते हैं कि यीशु हमारे जीवन में किस प्रकार क्रियाशील है, कैसे कार्य करते हैं। जैसे लाजरस के जीवन में यीशु ने कार्य किया, उसके साथ अपना प्यार दर्शाते हुए रो पड़े,
अनुभव करना है। तो सबसे पहले प्यार को अनुभव करना यीशु को जानना है, और इसलिए यीशु को जानने के लिए एकमात्र रास्ता है, तरीका है, प्रभु के वचनों को सुनना है। और इसलिए जब हम वचन को सुनने के लिए बैठते हैं, हमारा ध्यान यहाँ होना चाहिए, हमारा विचार यहाँ होना चाहिए, और जब आप संडे चर्च आते हैं, हमारे दिल में मन में यही इच्छा होना चाहिए कि आज मैं प्रभु यीशु के बारे में क्या जानना चाहता हूँ, क्या जानने चाहूंगा। और आज हम सब जान रहे हैं कि यीशु जीवन का स्रोता है, उसी में पुनरुत्थान और जीवन उसी में है, और इसलिए लाजरस को जीवन देकर हमें यही बताना चाहता है कि हम माता के समान विश्वास में दृढ़ रहो। यदि यीशु ने लाजरस के जीवन में ऐसा कार्य किया, वैसा हमारे जीवन में भी यीशु कार्य कर सकते हैं। विश्वास कीजिए, जानना है, सबसे पहले जानना है, और जानने के लिए हम सबको ईश्वर के वचन सुनना है। और जो व्यक्ति ईश्वर को सचमुच जानता है तो ईश्वर के प्रति उसका प्यार रहेगा, आदर रहेगा, सम्मान रहेगी, और रेस्पेक्ट, यीशु को जो आदर और सम्मान देना है हम उसे हमेशा देते रहेंगे, जो यीशु को जानता है। और सच्चे ईश्वर को जानना है, सच्चे ईश्वर इसके विपरीत है, जो ईश्वर सच्चा नहीं है, जो देवमूर्तियां हैं, अन्य देवी देवता है, मगर यीशु हमारा सच्चा ईश्वर है, जो जीवन का स्रोता है, हर मानव को जीवन देता है। इसलिए पढ़ेंगे पहला योहन 5:20 में, पहला योहन 5:20, पहला योहन हेलन पढ़िए, पहला योहन 5:20। पेज नंबर 375। हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है और उसने हमें सबसे ईश्वर को पहचानने का विवेक दिया है। हम सबसे ईश्वर में निवास करते हैं क्योंकि हम उसके पुत्र ईसा मसीह में निवास करते हैं। यही सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है। ये सब बोलिए, हम जानते हैं कि ईश्वर का पुत्र आया है पहचानने का विवेक दिया है। हम सच्चे ईश्वर में निवास करते हैं क्योंकि हम उसके पुत्र यीशु मसीह में निवास करते हैं। यही सच्चा ईश्वर और अनंत जीवन है। तो सच्चा ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर ने हम सबको बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, और इसलिए हमें फर्कना है, अन्य देवी देवताओं के पीछे हमें भागना नहीं। जो ईश्वर ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, उसे हमें फर्कना है कि सच्चा ईश्वर कौन है। योहन 20:21 में हम पढ़ेंगे, योहन 20:21। आप लोग बोलिए, इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीहा ईश्वर के पुत्र है, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त है। तो पहले हमने सुना यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। यहाँ यौन भी बताते हैं, जानने के बाद जब हम उनमें विश्वास करते हैं, यही हमारे लिए अनंत जीवन का शुरुआत है। क्योंकि ईश्वर, जब हम विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में फ्रूट देते हैं, आधार बनते हैं, जब महान कार्य हमारे जीवन में करते हैं। जैसे माता ने विश्वास किया और ईश्वर ने उसे जिलाकर चमत्कार के रूप में उन्हें दर्शाया है।
जब हम इस प्रकार विश्वास करते हैं यीशु हमारे जीवन में भी कार्य करेंगे। आगे तो बढ़ेंगे प्रेरित चरित्र 17:25 में। प्रेरित चरित्र 17:25 पढ़ी। यह सब लोग बोलिए, वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता है कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। यह ध्यान से सुनिए, बोलिए, वह तो सभी को जीवन प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। हर एक इंसान जो इस दुनिया में जीता है, सभी को, ना केवल इंसान, जानवर, पक्षी, पौधे, सबों को, इसलिए वचन कहता है सभी को जीवन और प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। प्राण और सब कुछ, सब कुछ का मतलब है हमारे ये जीवन को जीने के लिए आवश्यक सभी चीजों को ईश्वर हमें प्रदान करता है। और इसलिए जीवन ईश्वर का वरदान है, हमें उस जीवन को ईश्वर के लिए ही जीना है। क्योंकि आगे चलकर हम पढ़ेंगे योग का ग्रंथ अध्याय 12:10 में। योग का ग्रंथ 12:10 788 उसी के हाथ हर प्राणी का जीवन है, हर मनुष्य का सांस है। बहुत सुंदर ध्यान देने की बात है, उसी के हाथ में हर प्राणी का जीवन है और सांस। जो हमारी कार्य सांस लेते हो किसके हाथ में है? ना केवल ईश्वर हमें जीवन देता है और उस जीवन को बनाए रखने के लिए क्या देता है? सांस देता है। हम में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जहां सांस लेते समय हम हमेशा याद करते रहते हैं, मैं अभी सांस ले रही हूं। मीनम, अब याद करते हो? हर सांस आपको याद रहता है? नहीं। सोते समय? तो ईश्वर हमारे सांस को चलने के लिए उसके हाथ में अधिकार है। जब ईश्वर नहीं चाहता है कि हमारे सांस रुक जाए, वो ईश्वर हमारे सांस को, क्योंकि उसी के हाथ में है। और यदि यीशु इस प्रकार हमें प्यार करते हैं, जीवन दिया और उस जीवन को बनाए रखने के लिए सांस दिया, और इसलिए हम यह नहीं बोल सकते कि ऑटोमेटिकली हो रहा है, डेली हम ऑटोमेटिकली सांस नहीं ले रहे। वचन कहता है हर प्राणी का सांस ईश्वर के हाथ में है। हमारे की व्यक्तियों को सांस चलने के लिए किसके अधिकार है? यीशु के अधिकार है। और यदि ईश्वर इस प्रकार हमें जीवन दिया और सांस चलने दिया है, और ईश्वर ही हमारे जीवन का स्रोत है, इसलिए कहते हैं मैं हूं जीवन और पुनरुत्थान, जीवन देने वाला और उस जीवन को संचालित करने वाला ईश्वर है। और यदि इस प्रकार हम ईश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं, हर सांस के लिए हम ईश्वर पर निर्भर है, हर कदम जो हम रखते हैं उसके लिए हम किस पर निर्भर है? ईश्वर पर निर्भर। इसलिए यदि हम इस प्रकार ईश्वर पर हर बातों के लिए निर्भर रहते हैं, हम ईश्वर को कितने धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु, रात भर मैं सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं, फिर भी मेरा सांस चलते रहा। हम कितना भी ईश्वर को धन्यवाद दे उतना ही कम है, पर हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते। सब कुछ मेरे बल पर, मेरे शक्ति पर, मेरे ताकत पर, मैं जवान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकते हो? नहीं। जान तुम्हारी सांस प्रभु के ऊपर है, और इसलिए हम 101% ईश्वर ऊपर निर्भर है हर जीवन के लिए, जीवन के हर कदम के लिए। जो हम शब्द बोलते हैं, जो हम सांस लेते हैं, जो कदम हम रखते हैं,
ईश्वर उसे संचालित करता है। इसलिए हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ बने रहने चाहिए। यू मस्ट बी ग्रेटफुल टू गॉड। ईश्वर को हर सांस के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वह वचन के सब कुछ हमारे जीवन के आवश्यक सभी चीजों को प्रदान करता है। और इसलिए हर सांस ईश्वर पर निर्भर है, हर कदम ईश्वर पर निर्भर है, जब हम सोते हैं उठते हैं ईश्वर पर निर्भर है। और इसलिए इस प्रकार ईश्वर हमारे जीवन को संचालन करता है, रक्षा करता है, मार्गदर्शन करता है। और इसलिए हम ईश्वर के प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहने चाहिए। सेकंड पीटर 3:10 में दो पेत्रुस 3:10 में सेकंड पेत्रुस प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा, कुछ भी आता गढ़ता हुआ वीर हो जाएगा, मूल तत्व जल कर बिखर जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब नष्ट हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जल कर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण बिगड़ जाएंगे। हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं। यस, बोलिए प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा, उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है तो आप लोगों को चाहिए पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। तो जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हमने बनाया है कि नहीं जी, तो नया घर बनाया, हम अच्छे अच्छे घर में रह रहे हैं, वचन कहता है ये सब एक दिन क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। यदि दुनिया में जो कुछ हम देखते हैं और हम भी एक दिन मर जाएंगे और जो कुछ हम देखें सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो फिर हम अपने घरों में एकता क्यों करते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब एक दिन नष्ट होने वाला। और यदि सब कुछ नष्ट होने वाला है तो वचन कहता है इस प्रकार आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, पेत्र हमें बताते हैं। तो हमें चाहिए भक्तिपूर्ण जीवन, क्योंकि हम कभी भी जा सकते हैं, चोर की तरह ईश्वर हमारे जीवन में आएगा। और इसलिए सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जीवन भी चोर की तरह नष्ट हो जाएगी, फिर हमारे जीवन को भक्ति परे भाव से जीने के लिए, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए सब पेत्र सभी बुलाते हैं। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हम सबों को ईश्वर का सामना करना है और इसलिए हमारा जीवन भक्तिपूर्ण जीवन होना चाहिए, ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। इसलिए वचन कहता है उत्सुकता से ईश्वर के दिन प्रतीक्षा करना है। यदि आज जी उठे हैं, आज ही हम सवेरे उठे हैं या गिरजाघर में आए हैं, हमें पता नहीं कि ईश्वर हमें कब ले जाएगा, चोर की तरह आएगा बोलते, इसलिए हमें उत्सुकता से ईश्वर की राह देखते रहना है। प्रभु आज मेरे जीवन में कब आएंगे आप, मैं आने के लिए तैयार हूं। तो इस प्रकार की एक अच्छी भावना, भक्तिपूर्ण जीवन जीते हुए यीशु की इंतजार हमारे जीवन में करते रहना है। मार्कुस 8:34 में मत्ती 6:19 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 मत्ती 6:19
हमारे हृदय भी होगा। यस बोलिए, इस हमारे जीवन को लेकर हम क्या करना चाहिए? ईश्वर हमें, यीशु स्वयं हमें बताते हैं, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी नहीं जमा करो। कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो वो नष्ट होगा कि नहीं? कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, क्या वह आपको ईश्वर के राज्य तक ले जाएगी? नहीं। पर बहुत बार हम ऐसे अच्छे अच्छे कार्य, जरूरी काम करके बहाना लगाकर ईश्वर संबंधी बातों में रुचि नहीं दिखाते हैं। प्रार्थना में, मिस्सा में, बलिदान में हमें रुचि नहीं, जरूरी काम के पीछे जाते हैं। पर यीशु हमें बताते हैं, जरूरी काम वो नहीं है जहां आप भागते हो, मगर जरूरी काम ये है जब आप स्वर्ग के लिए पूंजी जमा करते हो। ऐसी चीजें, ऐसे कार्य करो जब आप मरने पर लोग तुम्हारा स्वागत करें स्वर्ग में। भले और ईमानदार सेवक उस राज्य में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए दुनिया की प्रारंभ से तैयारी की गई है। और इसलिए हमारा कर्म, हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए जो हमें ईश्वर तक ले जाएगी। और इसलिए दुनियादारी में फंसे रहकर अपने जीवन को ईश्वर के राज्य से वंचित मत रखिए। इसलिए हमें ध्यान देना है। इसलिए मार्कुस अध्याय 8:36 में पढ़ेंगे, मार्कुस 8:36, मार्कुस 8:36। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? जो एक अधर्मी और पापी उन्हीं के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा। बोलिए, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपनी ये जीवन ही गवा दे? अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा। तो यहां दो बातें, यदि आप काम करते 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 कभी तकते नहीं करते, सारे संसार को अपने कब्जे में कर ले, अधिकार में कर ले, मेरे पास इतने पैसा है, इतनी सोना है, इतनी चांदी है, इतनी डिपॉजिट है, इतनी LIC है, मेरे पास इतनी गाड़ी घोड़ा है, ये सभी दुनिया की चीजों को अपने पास रखने के बाद है, अपना आत्मिक जीवन को यदि हम आत्मा को खो देते हैं तो इससे क्या लाभ है? और इंसान इसी में लगे रहता है, मुझे और चाहिए और चाहिए। इसलिए यीशु चेतावनी देते हैं,
सारी दुनिया को खमा लो, मगर अपना आत्मा अपनी जीवन ईश्वर तक पहुंचने लायक नहीं है तो इन सभी चीजों से कोई लाभ है? और इसलिए जो लाभ है उसके लिए हम मेहनत करने चाहिए, और लाभ इसी में है जब हम ईश्वर के वचनों को सुनते हैं। वचन कहता है जो मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मैं भी मेरे पिता के सामने उसे अपनाने के लिए लज्जा अनुभव करूंगा। और इसलिए हमारे जीवन में ऐसी बातों में लगे रहने चाहिए जो हमें जीवन की ओर ले जाएगा। इसलिए वचन कहता है जो मेरी शिक्षा को सुनने के लिए लज्जा अनुभव करेगा। हर इतवार को या घर में जब हम बाइबल पढ़ने के लिए शर्माते हैं, समय नहीं निकालते हैं, और जब गिरजाघर में वचन सुनने के लिए अपने आप पर तरस आता है, तैयार नहीं है, यीशु कहता है ऐसे लोगों को मैं भी मेरे पिता के सामने स्वीकार नहीं करूंगा। क्योंकि वचन ही हमें अनंत जीवन की ओर ले जा सकता है, वचन ही हमें जीवन की वह मुकुट पहुंचा मुकुट देने में संबंध है। और इसलिए ईश्वर संबंधी बातों में हमें रुचि दिखाना चाहिए। जैसे हम दुनियादारी काम करने के लिए ड्यूटी जाने के लिए उत्सुकता दिखाते हैं, वो सब चाहिए, उससे भी बढ़कर हमें उत्सुकता दिखाना चाहिए ईश्वर संबंधी बातों में। क्या बोलते सुग्राम है नहीं? ईश्वर संबंधी बात में रुचि दिखाना है, लज्जा अनुभव नहीं करना है। यह नहीं कहना कि मेरे पास समय नहीं है, समय निकालना है, क्योंकि ईश्वर का वचन ही हमें जीवन की ओर ले जाती है। श्रोत ग्रंथ 16:11 में श्रोत ग्रंथ 16:11 बोलिए तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। हमारा कर्तव्य और हमारे बुद्धिमानी इसी में है जब हम ईश्वर के सामने खड़े होते हैं, और ईश्वर के सामने खड़े होने के लिए हमें उत्सुकता से प्रभु के मंदिर में आना। इसलिए वचन कहता है जीवन का मार्ग हमें मिलता है, कैसे जीवन जीना है ईश्वर के लिए, दुनिया के लिए हमें कैसे जीवन जीना है ईश्वर का वचन हमें समझाता है। और तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, प्रभु की उपस्थिति इस मंदिर में, प्रभु की उपस्थिति ईश्वर के वचन सुनने में, और हम सबों को इसमें आनंद मिलना चाहिए, खुशी होना चाहिए। आर यू हैप्पी? आलमीन गिरजाघर आने के लिए आप खुश हैं, खुशी से आते हैं या दुखी दुखी आ रहे हैं? इतवार हो गया काम करना सब कुछ आ रहा है तो मेरा भी जाना है कि नहीं सुग्राम? मगर वचन कहता है ईश्वर के सामने, ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के साथ रहने से हमें परिपूर्ण आनंद मिलता है। आनंद का अनुभव करना है तभी हम खुशी से चर्च में आएंगे। और वचन कहता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख और शांति। हम में से ऐसा कौन व्यक्ति है अपने जीवन में अपने घर में सुख और शांति ना चाहता हो? शरीर अपने घर में अपने जीवन में सुख और शांति होना कि नहीं? दुनिया नहीं देगी, ईश्वर की उपस्थिति हमें आनंद से भरता है, सुख और शांति हमारे जीवन में देता है। और इसलिए प्रभु के पास आइए। श्रोत ग्रंथ 34:11 श्रोत ग्रंथ रहते हैं। डेविड
आलमीन क्या बोलते हैं, धनी धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, यानी धनी लोग वे लोग हैं जो प्रभु के लिए अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं, सारी दुनिया को अपने जीवन में आत्म में अपनाना चाहते हैं। और जब इस प्रकार इंसान सारी दुनिया को अपने कब्जे में कर लेता है और उसकी इतनी बीमारी आ जाती है, शुगर है, चावल नहीं खा सकता है, बीपी है, मटर नहीं खा सकता है, तो सब कुछ होने के बाद भी वे क्या करते हैं? भूखे रहते हैं, खा नहीं सकते हैं। इसलिए वे खा नहीं सकते हैं क्योंकि वे सारी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। धनी लोग धनी तो बन गए, पर आप आनंद का दो रोटी नहीं खा सकते हैं, जो आनंद का जो मीट का पीस नहीं खा सकते हैं। इसमें चर्बी है, इसमें खून है, इसमें बीपी है, इसमें शुगर है, सब कुछ होने के बाद भी वे भूखे रहते हैं। और इसलिए वचन कह रहा है धनी लोग भूखे रह जाएंगे, मगर प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा रहेगा। आप सब कुछ ही खा सकते हो और हजम भी कर सकते हो, क्योंकि धनी लोग खा भी नहीं सकते, खाने से भी हजम करने के लिए गोली खाना पड़ता है। गरीब लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो प्रभु की भक्ति करते हैं, जो प्रभु के वचनों को सुनते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की खोजने के लिए इच्छा है, उनका घर भरा पूरा रहता है और खाकर भरपूर भरपेट खाकर आनंद का जीवन बिताते हैं वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, सारी दुनिया को अपने कब्जे में करने की कोशिश में आप अपने जीवन की ओर ले जा सकता है। आज साल में एक बार पाप स्वीकार के लिए, ईश्वर के वचन के लिए, प्रभु की संगति में बैठकर वचन सुनने के लिए मौका दिया है। इसमें भी आप कहते हो मुझे जरूरी काम है, और इसलिए वचन देता है तुम कितना भी धन कमा लोगे, जितना भी अच्छा काम करोगे, तुम भूखे रह जाओगे, खा नहीं सकोगे। जो मेहनत आप करते हो, आप भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। इसलिए जब हम प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, आज प्रभु के वचन को सुनकर प्रभु को हमारे जीवन में खोज करना है। और इसलिए मन बना लो प्यारे भाई बहनों, प्रभु के साथ रहना है, संगति में बैठना है, दिन भर प्रभु की नाम से एक दिन प्रभु के लिए देना। इसलिए कोई चेष्टा नहीं करेंगे शुक्रवार जरूरी काम है फादर, नहीं, इससे बढ़कर दूसरा कोई जरूरी काम नहीं है। ईमानदारी से आज दिन में प्रभु के वचन सुनना है, प्रभु की खोज करना है, अच्छा पाप स्वीकार करके पास का पर्व के लिए हमें योग्य बनाना है। पुत्र आओ और मेरी बात सुनो, यीशु कहता है मैं तुम्हें प्रभु पर श्रद्धा रखने की शिक्षा दूंगा। बसुल बोलते हैं फादर प्रार्थना करने के लिए मन नहीं करता है, वचन सुनने के लिए मन नहीं करता है, जल्दी बाहर जाने के लिए मन करता है। प्रभु कहता है श्रद्धा की शिक्षा मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु के पास आओ तो आपके जीवन में किस बात की कमी है, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं, प्रभु देगा, पवित्र आत्मा देगा, वचन सुनने के लिए समझने के लिए बुद्धि नहीं है, प्रभु देगा। प्रभु के पास सब कुछ है, जीवन का स्रोता है, हर सांस हर कदम प्रभु के द्वारा हम लेते हैं। इसलिए प्रभु के पास तुम में कौन भरपूर जीवन लंबी आयु सुख शांति चाहता है? लंबी आयु, आप कितना लंबा जीना चाहते हो? सैमुएल बट्टी 50 साल, 100 साल। दिलीप आप कितना साल जीना चाहते हो? 50। पर शाहरुख खान जाएंगे बाद में, 50 में जाएंगे, 50 साल हो गया। हाँ चाहो 50 चाहते हैं, आप 50 के बाद जाएंगे बोलता हूँ। तो बच्चे कहता है तुम्हें ऐसा कौन भरपूर जीवन, भरपूर जीवन है जिस जीवन में कोई कमी ना हो, यानी अच्छा काफी का आनंद से रहना, लंबी आयु 100 साल तक, 150 साल, और सुख शांति, अपने घर में सुख होना, शांति होना कौन चाहता है? हम सभी जन चाहते हैं। और ऐसे लोगों से कहता है यीशु तुम अपने जीव को बुराई बोलने से रोको, अपने जीव पर उसमें कोई हड्डी नहीं है, फिसलते जाता है कि नहीं साइमन? जीव में हड्डी है क्या? सिमोन बॉयर नहीं, जल्दी फिसलता है।
इसलिए ऐसी जीभ को बुराई बोलने से रोक दो और अपने होंठों को कपट पूर्ण बातें बुराई से दूर हो भलाई करो और शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। ऐसा जीवन जीने से हम धर्मी बनते हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि हमारे जीवन में बने रहता है। धन्यवाद दीजिए हमारे जीवन के दान के लिए, हमारे हर कदम हर सांस प्रभु के सामर्थ्य से होता है। धन्यवाद देते हुए इस जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार ईश्वर की सान्निध्य में प्रभु के मंदिर में वचन को सुनते हुए अपने जीवन में ईश्वर की क्या राह है, मार्ग है, ईश्वर ने मेरे लिए क्या राह बनाया है, रास्ता बनाया है, उसे पहचानने के लिए हमें प्रभु के वचनों को सुनने की जरूरत है। ईश्वर आज ही वचन के द्वारा भी बताना चाहता है कि हमारा जीवन प्रभु की दान है, हर सांस जो हम लेते हैं प्रभु के दान है। धन्यवाद दीजिए, रोज धन्यवाद दीजिए, उतना ही कम है जितना हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इस जीवन को बर्बाद होने से रोकिए, सारा संसार को अपना लिया हमारे आत्मा को गवा दिया तो क्या लाभ है। हमारे आत्मा को बचाना है और स्वर्ग तक इस आत्मा को पहुंचने के लिए योग्य बनाना है। और इसलिए अच्छे लोग बुरे लोग दोनों जी उठेंगे, अच्छे लोग अनंत जीवन के लिए और बुरे लोग नरक दंड के लिए। हम अच्छा जीवन जीकर उस ईश्वर राज्य की प्राप्ति के लिए लगातार निरंतर कोशिश करते रहेंगे। आमीन। आइए हम सब खड़े होकर अपने विश्वास के साथ में करते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य अस्तृश्य वस्तुओं के सृष्टि करता हूँ।